रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू एफएस फूड स्टूडियो। आज की जो रेसिपी है उसमें मैं सिखाने जा रही हूं समोसे और कचौड़ियों के साथ जो मीठी चटनी और चनों की चटनी सर्व की जाती है। तो चलिए वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होगी आधा कप चीनी, उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 2 कप पानी। आप किसी भी कप से इसको मेजर करके डाल सकते हैं। अब जो हम इसमें डालेंगे इमली का रस यानी कि इमली का पल्प तकरीबन 2 से 3 चम्मच। 3 चम्मच से ज्यादा मत डालिएगा इस क्वांटिटी में, वरना बहुत ज्यादा खटास हो जाएगी। अब जो है हम इसमें डालेंगे नमक हसबे जायका, लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून और हसबे जायका। अब जो है हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक के इसमें बबल्स ना आ जाए और चीनी जो है वो हल ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है इस पर बॉयल आना शुरू हो गया है और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो तकरीबन आधा ना रह जाए। तो अब जो है हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ पर मैं जो है डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको मैं पानी के अंदर मिक्स कर लूंगी पहले। आप नॉर्मल पानी के अंदर ही इसको मिक्स कीजिएगा, गर्म पानी मत लीजिएगा। तो अब जो है हम इसकी मैंने यहाँ पर फ्लेम भी लो कर दी थी और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे और साथ ही मिक्स करते रहेंगे। फ्लेम जो है वो आपने लो ही रखनी है। तो यहाँ पर जो है हम इसको अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब हम इसको थोड़ी देर जो है इसको फुल फ्लेम पर रखकर बॉईल करवाएंगे ताकि इसमें बबल्स आ जाए और जो थिकनेस हमें चाहिए वो आ जाए। ये जो है मेरा कॉर्नफ्लोर बच गया था। मैं जरूरी नहीं है कि आपने सारा ही ऐड करना है, आप थोड़ा थोड़ा रखकर ऐड कीजिएगा ताकि जो है हमें कंसिस्टेंसी जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पर हम इस तरह पका लिया है, तो अब ये हो गया है। तो अब हम इसमें जो है रेड फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर जो भी आपके पास हो, जो भी आप डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा। और अब जो है हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल टेस्ट वाइज बिल्कुल बाजार जैसी बनती है, तो आप इसको घर पर जरूर बनाएं। और जो समोसे कचौड़ियां जो भी आपको पसंद है, रमजान आ रहा है तो आप उसमें जरूर इसको ट्राई करें। तो यहाँ पर जो है वो हमारे समोसे की चटनी जो है वो तकरीबन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी की चेक करवा देती हूँ कि ये इस तरह की जैसे बाजार वालों की गाढ़ी होती है ये उसी तरह की हो गई है। ज्यादा मत गाढ़ा कर लीजिएगा वरना जो है जब ये ठंडी होगी तो इसने और गाढ़ा होना होता है, तो ज्यादा मत गाढ़ा कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारी समोसे की मीठी चटनी, लाल वाली मीठी चटनी जो है वो तैयार हो गई है। तो आइए अब हम दूसरी चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं समोसे के साथ जो आती है चने की चटनी, और इसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है, चंद मिनटों में तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे 1 कप चने, बॉयल किए हुए चने हैं, और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। साथ ही जो है मैंने आधे चने जो है मैंने आधा कप चने लिए थे उनको मैश कर लिया है वो डाल दिए हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स। यहाँ पर जो है मैंने सौंफ, 1 चम्मच सौंफ लिया था और 2 इलायचियां ली थी उनको जो है पाउडर बना लिया था और वो ऐड किया है 1 टीस्पून। साथ ही यहाँ पर हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं और हल्दी थोड़ी सी ऐड की है। अब हम पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको कवर करके अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से वो सिमर हो रहा है, हम इसको अच्छे से सिमर होने देंगे। 5 मिनट बाद जो है मैंने इसको चेक किया था और हिला लिया था, तो यहाँ पर जो है वो हल्का सा पानी अभी है। तो अभी हम इसको दोबारा से जो है कवर कर देंगे। अब ने इसकी जो आंच है वो जो मीडियम रखनी है, ज्यादा तेज नहीं रखेंगे, ज्यादा लो नहीं रखेंगे।
3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था तो ये बिल्कुल हो गए थे। और इसमें हम इसी तरह हल्का हल्का पानी रहने देंगे। तो अब जो है मैंने इसमें आमचूर का पाउडर डाला था 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा खटास आ जाएगी इसमें और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और साथ ही जो है मैंने कलवंजी ऐड कर दी थी, आमचूर का जो क्लिप है वो मेरे से मिस हो गया था तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारी चने वाली चटनी भी तैयार हो गई है, बिल्कुल टेस्ट बाजार जैसा ही आएगा इस बात की गारंटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चटनियाँ जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बान।